क्वेश्चन नंबर 19, 1 μA 1 μe इज इक्वल टू ए ऑप्शन 10^-3 A, बी ऑप्शन 10^-6 A, सी ऑप्शन 10^-9 A, डी ऑप्शन 10^-10 A। जो 1 μA होता है वो कितने एम्पियर के बराबर होता है, तो 1 μ मीन्स 10^-6, तो 1 μA किसके बराबर हो जाएगा, 10^-6 A के बराबर। सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20, नेम द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ए ऑप्शन कूलम, बी एम्पियर, सी वॉट, डी किलोवाट आवर्स। जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसके यूनिट क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर में, सो हियर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ 2 kW व्हेन कनेक्टेड टू 100 V सोर्स इज, ए ऑप्शन 40 A, बी ऑप्शन 10 A, सी ऑप्शन 1 A, डी ऑप्शन 20 A। क्वेश्चन में गिवन है एक इलेक्ट्रिक हीटर है और उसकी पावर कितनी है 2 kWh और कनेक्ट किया गया है 100 V सोर्स के साथ, तो उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा, पावर कितनी है 2 kW। अभी किलो के वॉट बनाने हैं तो 2 × kilo मतलब 1000 W, ये बन जाएगा 2000 W और वोल्टेज कितनी है 100 V। वी नो दैट पी जो पावर होती है पोटेंशियल इनटू करंट, इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं, आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी हो जाएगा, तो पी कितना है हमारे पास 2000 / V 100, जीरो के साथ जीरो कटिंग, जीरो के साथ जीरो कटिंग हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू 20 A। सो हियर डी इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 A।